पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने ऐलान कर दिया है कि वो सैलरी नहीं लेंगे। आर्थिक संकट से जूझ रहे देश की हालत को देखते हुए उन्होंने यह फैसला किया है। गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने भी वेतन नहीं लेने का ऐलान किया है। जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, राष्ट्रपति जरदारी देश की मदद करने के लिए अपने कार्यकाल में कोई सैलरी नहीं लेंगे। उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट और राष्ट्रीय राजस्व पर बोझ नहीं डालने का फैसला किया है। पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी को सैलरी के तौर पर हर महीने करीब 8,46,000 पाकिस्तानी रुपए मिलते थे। यह वेतन 2018 में संसद ने तय किया था। पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव हुए, वहीं पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री हाफिज अहमद पाशा ने चुनाव परिणाम आने से एक दिन पहले देश की अर्थव्यवस्था पर चिंता जाहिर की थी कि पाकिस्तान के सरकारी खजाने में सिर्फ 45 दिनों का पैसा बचा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय 8 बिलियन डॉलर है, जो करीब 1.5 महीने तक के सामानों के आयात जितना है। देश के पास कम से कम 3 महीने के सामान के आयात जितना पैसा होना चाहिए। 2024 में पाकिस्तान की GDP महज 2.1% की दर से बढ़ने की संभावना है। विकास की ये दर कमजोर सरकार आने पर नीचे जा सकती है। फिलहाल 1 डॉलर की कीमत 276 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है,